झगड़े से नहीं हारा, बस किसी की बात मानी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चौहान्स होम्योपैथी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया में भ्रूण परीक्षण बैन क्यों है, मतलब जो अल्ट्रासोनोग्राफी है उसमें हम पता नहीं लगा सकते हैं कि वो बॉय बेबी है या फिर गर्ल बेबी है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यूट्यूब पर ये सबसे पहला वीडियो है जो मैं इस टॉपिक पर डिस्कस कर रहा हूँ कि इंडिया में ये अल्ट्रासाउंड बैन क्यों है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया में ये बैन है, काफ़ी लंबे टाइम से बैन है कि पता नहीं लगा सकते हैं कि वो लड़का है या लड़की है अल्ट्रासोनोग्राफी में। तो इस तरह के अल्ट्रासाउंड इंडिया में बैन है, कानून अपराध है और इसके लिए सजा भी हो सकती है, जबकि बाहर के देशों में ऐसा नहीं है। जितनी भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर आसानी से आप पता लगा सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि ये कोई सिस्टम नहीं है, लड़का और लड़की का कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं है, वहाँ पे आसानी से पता लगा सकते हैं कि अल्ट्रासाउंड में कि लड़का है या लड़की है। बट इंडिया में ही ऐसा है, उसके पीछे कुछ फैक्ट हैं, कुछ रीज़न हैं। तो दोस्तों, बाहर की कंट्रीज़ में सारी चीज़ें चलती हैं, जैसे कि जो लोग जो हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं उसमें भी काफ़ी लोगों को पता है कि ऐसी चीज़ें दिखाते हैं, और जो लोग बाहर रहते हैं फॉरेन कंट्री में रहते हैं उनको भी मालूम है कि ये सारी चीज़ें वहाँ पर लीगल हैं, लेकिन यहाँ इंडिया में हम करते हैं तो वह इलीगल है। उसके पीछे कुछ मेजर फैक्टर्स हैं, कुछ रीज़न हैं, तो आज मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला मेन रीज़न है इसका पॉपुलेशन। तो दोस्तों, इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, जबकि हम कंपेयर करते हैं बाहर की कंट्रीज़ तो वहाँ पे इतनी जनसंख्या नहीं है जितनी इंडिया में है। डे बाई डे जनसंख्या बढ़ने पर एक मेज़र फैक्टर इसका ये है। आपको मैं इसका लिंक बताऊँगा कि बाद में इसका लिंक कैसे होता है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला मेज़र फैक्टर है पॉपुलेशन, और नंबर सेकंड जो है वो है कि लड़का और लड़की में बाहर की कंट्री में इतना डिफरेंस नहीं किया जाता है, वहाँ पे दोनों बराबर रहते हैं, 50% लड़का है तो 50% ही लड़की है, वहाँ पे इतना ऊंचा नीचा नहीं किया जाता है जितना इंडिया में लड़का और लड़की में भेदभाव किया जाता था पहले, अब तो थोड़ा ठीक भी है। दूसरा, थर्ड जो है वो है जॉब्स। इंडिया में जैसे कि आपको पता है कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, जॉब्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी यहाँ पर होती है कि नौकरी मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो ये भी एक मेज़र फैक्टर है कि यहाँ पे जॉब्स की वजह से लड़का और लड़की में डिफरेंस किया जाता है कि लड़की को आसानी से जॉब नहीं मिलती है, जबकि लड़के आसानी से जॉब कर सकते हैं, बाहर रहने के लिए कंफर्टेबल होते हैं, लड़की को बाहर नहीं भेजा सकता है। और अगली चीज़ चलती है दोस्तों यहाँ पे छेड़छाड़। इंडिया में इतनी ज़्यादा लड़के से छेड़छाड़ होती है, जबकि फॉरेन कंट्री में ऐसा नहीं होता है, वहाँ लड़की लड़का सब सेम है, वहाँ पर कोई ऐसा इतने ज़्यादा रेप नहीं होते हैं जितने इंडिया में होते हैं, और यहाँ पे सारी छेड़खानी होती हैं, बड़े शहर से लेके छोटे गांव तक भी इतनी छेड़खानियाँ होती हैं। तो लड़की है तो इंडिया वालों को काफ़ी परेशानी उसमें महसूस होती है कि जॉब्स नहीं मिलेगी और उसको रखना पड़ेगा, छेड़छाड़ इतनी होगी, मतलब कुल मिला के बहुत ज़्यादा ही टेंशन वाली बात उनके लिए हो जाती है। और अगला पॉइंट आता है, और इसमें अगले पॉइंट में बात करते हैं हम दहेज की। इंडिया में कोई लड़की है उसकी हम शादी करते हैं तो उसमें पता लगता है जी बहुत सारा दहेज देना पड़ेगा, लड़की भी देते हैं साथ साथ में इतना सारा दहेज देना पड़ेगा, पहले पढ़ा लिखा के फिर उसको शादी करते हैं तो दहेज देना पड़ेगा, जबकि फॉरेन कंट्री में ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, कुल मिला के बाहर की कंट्री में इतनी पॉपुलेशन नहीं है, लड़का और लड़की में इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा तो यहाँ पे जॉब्स नहीं मिलती हैं, बाहर की कंट्रीज़ में पॉपुलेशन नहीं है तो आसानी से जॉब मिल जाती है, तो वहाँ पे लड़के भी आसानी से जॉब कर सकते हैं। बात करते हैं इंडिया की, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा छेड़खानी लड़कियों के साथ होती है, डे बाई डे बहुत सारे इस तरह के केसेस होते हैं, और रेप के मामले भी बहुत सारे इंडिया में डे बाई डे होते रहते हैं। और लास्ट जो मैंने आपको बताया वो दहेज का है, और जबकि बाहर की कंट्री में इतनी सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो मेन रीज़न ये है कि जैसे अल्ट्रासाउंड अगर इंडिया में सपोज़ कीजिए कि बैन नहीं है, तो अगर पता लगता है कि लड़की है तो उसका अबॉर्शन करा देते हैं, और ये फैक्ट भी है, जिसकी वजह से जो स्केल है लड़का और लड़की का, जो स्केल चलता है, जो रेशो चलता है, वो इंडिया में घटता चला जाता है। तो ये एक मेन फैक्टर है, जबकि फॉरेन कंट्री में अगर पता लगता है कि लड़की भी है तो उनको कोई भी परेशानी नहीं होती है, 1% भी कोई परेशानी उनको महसूस नहीं होती है। इंडिया में अगर लड़की पता लगता है कि पेट में लड़की है तो उसका अबॉर्शन करा देते हैं, इसलिए ये इंडिया में बैन है, इसका सबसे बड़ा मेजर फैक्टर ये है। तो दोस्तों, ये था मेरा आपको समझाने का थोड़ा मोटिव कि लड़का और लड़की में डिफरेंस और पॉपुलेशन और जॉब्स और इतनी रेप और छेड़खानी
इंडिया में ही सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, फॉरेन कंट्री में ऐसा नहीं है। तो फॉरेन कंट्री में इजीली आप अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, उसमें पता लगा सकते हैं तीसरे चौथे महीने में कि आपको लड़का है लड़की है, जबकि इंडिया में ये वाली चीज़ बैन है। बैन इसीलिए है, अगर आपको पता लगेगा कि लड़की है तो उसको अबॉर्शन करा देते हैं, जिसकी वजह से स्केल डे बाई डे घटता जा रहा है, जो रेशो है लड़का और लड़की का वो घटता चला जा रहा है। तो दोस्तों, जो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में समझाने जा रहा था, आपको ये चीज़ शायद समझ में आई होगी। तो दोस्तों, जो लोग मेरे वीडियो पे नए हैं वो मेरे वीडियो को लाइक करें, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें। आपके लिए मैं इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा, तब तक के लिए शुक्रिया।